रायसेन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। जुए के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की गई है। 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं, तो वहीं 12 बाइके 24 मोबाइल भी जुए के अड्डे से बरामद किए गए हैं। रायसेन की स्पेशल पुलिस टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। खास बात यह है कि सांची पुलिस थाना को इस बड़ी कार्रवाई की भनक तक नहीं लग पाई। रायसेन जिला पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल के निर्देश पर SDOP अदिति भावसार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार किए गए जुआरियों में 18 विदिशा के, 4 रायसेन के जुआरी शामिल हैं। बताया जाता है कि वसीम पठान अपने अड्डे पर जुआ खिलाता था। विदिशा, रायसेन सहित कई जिलों के लोग यहां जुआ खेलने के लिए पहुंचते थे। सांची में स्थित पेट्रोल पंप के पास यह जुए का अड्डा चलाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले में जाँच की जा रही है। आदर्श न्यूज के लिए रायसेन से पत्रकार अजय गोहिल की रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे मुखबिर द्वारा सूचना भी प्राप्त हुई थी कि सांची थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास कोई जुए की फड़ है, जिसमें बड़े स्तर पे जुआ चल रहा है। तो उसी में थाना सलामतपुर और पुलिस लाइन के बल के साथ दबिश दी गई, जहां पर मौके पर 22 लोग मिले और 22 लोगों के साथ उनका ताश के पत्ते, पैसे, रुपये और गाड़ियां, मोबाइल, ये सब चीजें मिली है। मौके की कार्रवाई जारी है। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।